नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। किसान आंदोलन की कई तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, कई ऐसी तस्वीरें जिसमें किसान लोग पुलिस लोगों को पानी पिलाते हुए दिख रहे हैं, और कई ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें पुलिस पूरी बर्बरतापूर्ण तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। इन सारे तस्वीरों के बीच एक तस्वीर जो आपसे छिपी रह गई, जो आपने नहीं देख पाई, वो तस्वीर थी सरकार की तस्वीर, सरकार के मंशा की तस्वीर। उस तस्वीर पर ही आज हम लोग ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरकार की मंशा की तस्वीर जो लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी, वो ये कि किस तरीके से सरकार पहले तो दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है, और जब किसानों का प्रोटेस्ट टूटने लगता है, थकने लगता है, सरकार को ये लगता है कि शायद अब किसान थक कर वापस चले जाएंगे, तब अचानक उनके पास खबर आती है कि अब आप लोग पुलिस की निगरानी में दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, और एक जगह पर, एक स्थान पर ही उन्हें रहने की अनुमति दी जाती है। किसानों का ये कहना है कि ये एक तरह का कैद है, हम लोग बॉर्डर से नहीं हटेंगे, यहां पर आके अगर हम महीनों भी प्रदर्शन करते रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे, उससे किसी भी सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब कई लोगों ने किसानों से बातचीत की और उनसे ये सवाल पूछा कि आपके इस जाम की वजह से कई लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने इस बात का काफी सरलता से जवाब दिया कि जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हम लोग खेती करना छोड़ देंगे, तो जिन लोगों को जाम से दिक्कत हो रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि अगर किसान धान नहीं उपजाएंगे, फसल नहीं बोएंगे, तो फिर किस तरीके से हमारे प्लेटों में खाने पहुंचेंगे, ये शायद डिजिटल इंडिया का प्लान भी हमें नहीं बता सकता है। आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से रोटी को डाउनलोड करके अपने पेट में अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से ही किसानों पर भरोसा करना होगा और उनकी मांगों को मांगना होगा। अभी हम लोगों के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव विक्की माहेश्वरी, जो लगातार किसानों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और अभी भी वो पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसानों के साथ थे, और अभी दिल्ली में वो प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। अभी हम लोग उनके साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करके जो मौजूदा लाइव वहां के हालात हैं, वो हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विक्की माहेश्वरी, जो लगातार पंजाब से दिल्ली पहुंच गए हैं किसानों के साथ, और किसान आंदोलन में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विक्की जी, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी आपके जुड़ने से पहले हम लोग कई तस्वीरों के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कई किसान पुलिस वालों को पानी भी देते हुए नजर आ रहे हैं, खाना खिलाते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक तस्वीर थी जिसमें पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से किसानों को पीटते हुए नजर आ रही थी। लेकिन एक तस्वीर जो लोगों को नहीं नजर आ रही है, वो सरकार की तस्वीर है, जो सरकार फ्रंट पर नहीं रहकर खुद जवानों को आगे कर दे रही है किसानों के, और खुद पीछे से सारा गेम प्लान कर रही है। आप वहां पर हैं, आप वहां की स्थिति को हर वक्त अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं वो कौन सी तस्वीर जो है सरकार की छिपी हुई है जिससे किसान और जवान एक दूसरे से ही भिड़े हुए हैं? एक बात बहुत क्लियर है आमिर, अब वो ये है कि सरहद पे लड़ने वाला जवान भी उसी किसान का बेटा है, उसी मजदूर का बेटा है जो लोगों के लिए अन्न उगाता है। वो चाहे फिर किसान पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, या यूपी का हो, कहीं का भी हो, जब भी सरहद पे लड़ाई लगती है, जितना जवान वहां पे शहीद होता है, उनकी जो डेड बॉडी है वो किसी मिनिस्टर के घर को नहीं जाती, वो आम गरीब किसानों के घर को जाती है, क्योंकि उनके बेटे बेटियां सरहदों पे देश की राखी करते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा जवान, जो उसी जवान का जो बाप है, जो किसान है, वो खेतों में काम करता है ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। लेकिन मोदी की सरकार ने, कॉरपोरेट्स की, अदानी और अंबानी की सरकार ने ये बर्बरतापूर्ण तरीके से, जब कल यहाँ पे अगर आप आके देखे किसी मीडिया का चैनल, किसी का कवरेज देखे, तो यहाँ पे 20 से 25
30 किलोमीटर का एरिया में लगातार ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। हजारों हजार किसान, जिनमें माएं भी शामिल हैं, बहनें भी शामिल हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं, आज पूरे देश के पेपर भरे हुए हैं इन चीजों से कि कैसे इस देश की सरकार के इशारे पे पुलिस के जो वर्दीधारी लोग हैं उन्होंने बूढ़े लोगों के ऊपर भी हमला किया। आप जानिए इस चीज को, अभी वो समय आ गया आर पार की लड़ाई का कि जो पार्लियामेंट में छिपके बैठा हुआ मोदी, जो इस देश की मेजोरिटी को क्लेम करता है, उसको इस देश के लोगों ने बताया कि मेजोरिटी यहाँ पे देखे जाने वाले लोगों की मेजोरिटी है, ना कि मोदी की। अगर मोदी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, जिस तस्वीर की आप बात करते हैं कि वो कहीं दुबक के बैठे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जिनके बेटे बेटियां फौज में जा इसमें पुलिस में काम करते हैं उन्हीं की लाठियों से ये वापस चले जाएंगे, इतनी आसानी से हरने वाले लोग नहीं है। हम लोग मोदी की सरकार को हराने के लिए यहाँ पे आए हैं, तब तक डेरा डाल के बैठेंगे। आप यहाँ की कवरेज देखिए, तीन तीन चार चार महीने का राशन लेके, अभी देश की सरकार समझती क्या इस चीज को, जो किसान पूरे देश का पेट भर सकता है वो यहाँ पे चार महीने डेरे नहीं डाल के बैठ सकता क्या? छह महीने बैठना पड़ा तो लोग बैठेंगे, लेकिन दिल्ली की पहले वो चाहते थे, हम लोगों ने कोशिश किया आगे जाने का, बहुत यहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज करने का काम किया, वाटर कैनन चलाया, निहत्थे लोगों के ऊपर टीयर गैस शेल छोड़े गए। आप जानिए टीयर गैस शेल जो कहीं भी किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि लोगों के ऊपर सिवाय इस चीज के कि किसी देश के साथ जंग हो तो आप चला सकते हो, लेकिन आप किसान उनकी बात तक सुनने को सरकार तैयार ना हो तो हम लोग मोदी की सरकार को आपके माध्यम से क्लियर कट बताना चाहते हैं, ये हाथ जोर नहीं है, इन हाथों ने गुजारों को एक सार का, आपका किसान था अगर कोई पहला गया था तो गुरु गोविंद सिंह की उस विरासत को, खालसा पंथ की उस विरासत को, अशफाक उल्ला खां की उस विरासत को लेके आगे बढ़ रहा है किसान, जिसमें पढ़ा लिखा उसका बेटा बेटी भी शामिल है और वो बुजुर्ग भी शामिल है। दिल्ली का किला जब तक फतेह नहीं हो जाता हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी कल कृषि जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विक्की जी, ये जी कल कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने खुला न्योता दिया है किसानों को बातचीत करने का और कहा है कि वो आंदोलन छोड़ दें, तो क्या अभी रणनीति बन रही है वहां दिल्ली में कि किसान अभी बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री से जाएंगे या अभी वो आंदोलन पर टिके रहेंगे? आप देश के कृषि मंत्री को पूछिए कि उसको आज याद आया कि किसान अगर यहाँ पे इनका सीआईडी इनका पुलिस कहाँ है, कहाँ पे है पूरे देश का? तीन महीने से अगर देश का किसान सड़कों पे है तो कृषि मंत्री को अभी याद आता है कि मैं यहाँ पे इनके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ और आप लोग आंदोलन छोड़ दीजिए। आपको किसान जो खुदकुशी करके, महाराष्ट्र का किसान हर रोज आत्महत्या करता है, वो इस देश की सरकार को दिखाई नहीं देता? पंजाब का किसान जिसके ऊपर इतना कर्जा है, किसकी नीति की वजह से कर्जा है? वो इस देश की मोदी अदानी की सरकार की नीति की वजह से है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये देश का किसान, ये कृषि मंत्री है जो हमारे देश का, उसको जाके आप पूछिए कि जब कोई भी खेती करनी होती है तो किस किस चीज की जरूरत होती है, कौन सा अनाज पैदा करने के लिए कितना बीज डाला जाता है, कितनी खाद डाली जाती है, मैं तब मानूंगा वो इस देश का कृषि मानने के लायक है। उससे अच्छा कृषि मंत्री इस देश का हमारे गांव का वो बुजुर्ग जो शायद कभी किसी कक्षा में ना बैठा हो, किसी स्कूल में ना गया हो, लेकिन उसको पता है कि खेती होती कैसे है, उसको कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। ये लोग जिन जो पढ़े लिखे नहीं, जिन लोगों को एजुकेशन बने, किसी कारणवश विक्की महेश्वरी का कॉल ड्रॉप हो गया है, हम लोग उनसे जल्द दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विकी जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी ऑडिबल, जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो यही बात मैं यही कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे लगातार परसों से नेट जाम किया हुआ है, बहुत मुश्किल से आपके साथ दोबारा कनेक्टिविटी बना है, तो ब्रीफ में यही कहूंगा कि सरकार कि जो हेल्पलेसनेस है वो अब सबके सामने आई है। पहले इनको ये था कि किसानों को दिल्ली में बंद करके हम दिल्ली को सील कर देंगे, लेकिन किसानों ने हर रास्ते पे घेराबंदी करते हुए
दिल्ली को बंद किया हुआ है, दिल्ली के ऊपर घेराबंदी किया है। अब दिल्ली की सरकार सोचे, देश की सरकार सोचे कि इस घेराबंदी को अगर तोड़ना है, अगर लोगों को घर भेजना है तो कानूनों को वापस करती है या उसी रवैये पे अड़े रहना है, नहीं तो पंजाब के लोगों का, हरियाणा के लोगों का, किसानों का जज्बा इसी तरीके से सरकार को ललकारता रहेगा। अभी खबर आ रही थी कि आज किसानों की बैठक हो रही है दिल्ली में इस बात के ऊपर कि आगे क्या वो लोगों की स्ट्रैटेजी होगी, तो क्या स्ट्रैटेजी बन रही है कि कब तक आप लोग दिल्ली में रहेंगे और कब तक ये पूरा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा? That I already informed you. जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, रद्द नहीं हो जाते विदाउट एनी नेगोशिएशन कि इसमें ये कम हो गया, ये ज्यादा कर लिया, इतना मान लीजिए, उतना मान लीजिए, ऐसा सवाल ही कोई नहीं। गवर्नमेंट विल हैव टू टेक दिस लॉज बैक, दे विल हैव टू रोल इट बैक, दैट इज द ओनली डिमांड दैट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड। जब तक उस डिमांड पे सरकार इस चीज को मानती नहीं, यही सरकारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है किसानों का, उनका फैसला भी यही होगा। और तब तक आप देख लीजिए जितने लोग भी आए, लाखों लोग आए, लेकिन एक भी इनडिसिप्लिन किसानों की तरफ से ना हो, इससे बड़ा लोगों के जाप्ते का, इससे बड़ा उनके अनुशासन का क्या सबूत हो सकता है? एक भी कोई हिंसक कार्रवाई किसानों की तरफ से अब तक नहीं हुई। यहाँ की पुलिस ने गोलीबारी की, यहाँ की पुलिस ने टियर गैस के शैले जो छोड़े, हम लोगों ने किसी एक के ऊपर भी हमला नहीं किया। सरकार इस बात को तय करे कि इस आर पार की लड़ाई को लड़ने के लिए जब किसान यहाँ पे आया है वो तब तक डेरे जमा के बैठेगा। ऐसा नहीं है कि जो किसान एक बार यहाँ पे आ गए खाली वही बैठेंगे। आप पंजाब के, हरियाणा के गांव गांव की रिपोर्ट लीजिए, हजारों लोग और तैयार हैं जो अपने रास्ते पे हैं और दिल्ली आ रहे हैं, और उसके पीछे भी जितने ही देर तक बैठना पड़ा, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो खाने पीने को बनाने की बात हो, सब कुछ आता रहेगा, लेकिन दिल्ली को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कानून वापस नहीं हो जाते। आमिर, विक्की माहेश्वरी, आप छात्र संगठन से भी जुड़े रहे हैं, आप छात्र आंदोलन में भी सक्रिय रहते हैं, आप अभी किसान आंदोलन में भी सक्रिय हैं। छात्र आंदोलन और किसान आंदोलन जब भी हो रहा है तब भी सरकार की तरफ से ये बयान आता है, सरकारी मीडिया संस्थान की तरफ से ये बयान आता है कि उन्हें पथ भ्रमित किया जा रहा है। अभी किसानों को लेकर भी, किसान आंदोलन को लेकर ये बात साफ तौर पर से कही जा रही है कि किसान विपक्ष की बातों में आके पथ भ्रमित हो चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश का विपक्ष है कौन? आई एम आस्किंग यू, कौन है इस देश का विपक्ष? सरकार है बीजेपी की यहाँ पे। इस देश का विपक्ष अगर कोई है तो वो इस देश के मजदूर और किसान है। किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो किसी पार्टी की बात में आके जैसा वो बोलेंगे उसी हिसाब से चलेगा। ये लड़ाई किसी पार्टी ने नहीं लड़ी, ये लड़ाई उन साधारण लोगों ने लड़ी है जो दो दो महीने तक रेलवे स्टेशन पे बैठे रहे लेकिन एक भी गड़बड़ नहीं हुआ। तो उन लोगों की लड़ी हुई लड़ाई को किसी पार्टी में हिम्मत नहीं कि वो अपना राजनीतिक एजेंडा के लिए अपने खाते में ले जाए। हम लोग राजनीति से होती है, किसान वो भी समझता है, और इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाना है हम वो भी समझते हैं। अगर ये प्रचार हो रहा है देश में कि कहीं किसी पार्टी ने हाईजैक कर लिया इसको, तो हाईजैक होने वाला ये किसान नहीं है, दिल्ली को हाईजैक किसानों ने कर लिया, ये बात सच है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, विक्की माहेश्वरी जी, हम लोगों से बातचीत करने का। हम लोग आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे दिल्ली के हालात का, किसान आंदोलन के हालात का। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग जी, बिल्कुल। हमें 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 पूरी पूरी उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो हक सच की आवाज है उसको लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोगों ने AISF के राष्ट्रीय महासचिव विक्की माहेश्वरी को सुना, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर से कह दिया है कि जब तक सरकार बिना किसी नेगोशिएशन के उनकी मांगों को मान नहीं लेती, किसान दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, वो दिल्ली में ही जमे रहेंगे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये कि किसानों को लग रहा, सरकार को ये लग रहा था कि वो किसानों को दिल्ली में एक जगह कैद करके रखेंगे, लेकिन अभी पंजाब और हरियाणा में कई किसान ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे पारी पारी करके दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अगर एक तरफ किसानों को कैद करने का सरकार सोचती भी है तो पीछे से कई किसान और आ रहे हैं। खैर, मामला ये नहीं है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा तक ही सीमित है या दिल्ली में ही सिर्फ प्रदर्शन चल रहा है, बिहार में भी किसानों को लेकर प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है। कल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अलग अलग प्रोग्रेसिव संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पर पटना में एक प्रतिरोध सभा किया, एक प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर से ये कहा कि जो किसान
लोगों का अन्न, लोग अन्न उपजाकर लोगों का पेट भरता है, आज उस किसान को बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का, और मौजूदा सरकार जवान और किसान को ही आपस में टकराने पर तुली हुई है। कुल मिलाकर बात यही है कि किसानों की बात अगर आप सुनिएगा नहीं तो किसान अपने ऊपर तो जमे रहेंगे। विक्की माहेश्वरी ने एक बात यह भी बताई थी कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वो अपने साथ कम से कम 4 से 5 महीने का राशन लेके तो चल ही सकता है। तो ये साफ तौर पर से है कि किसानों के पास राशन भी है, किसानों के पास पूरी सुविधाएं हैं जिससे वो आराम से 4 से 5 महीने दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और किसान उसी मोटिव के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं। हम लोग किसानों के इस आंदोलन के ऊपर पूरी अपडेट लेकर समय समय पर आप तक पहुँचते रहेंगे। जो लाइव अपडेट दिल्ली से तस्वीरें हमारे पास आएंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो रिपोर्ट पसंद आई है तो आप फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा देखते रहें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की गैर लाभकारी रिपोर्ट हम लोग लगातार करते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।